सो आज कौन सा टूर्नामेंट कब स्टार्ट होने वाला है, थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है अपथ्रस्ट का बताता हूँ, बट पहले देख सकते हो ओवरऑल स्टैंडिंग्स। अपथ्रस्ट ईस्पोर्ट्स का कल डे 4 खत्म हो चुका था, जिसमें टीम तमिलास, गॉडलाइक एंड एक्स स्पार्क टॉप 3 टीम्स है। सो कोई भी टीम जीत सकती है। उसके बाद रैकनिंग ईस्पोर्ट्स एंड ग्लोबल ईस्पोर्ट्स है, ज्यादा पॉइंट का डिफरेंस नहीं है, एक चिकन तुरंत वो लोग टॉप पे आ जाएंगे। तो क्या लगता है कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट में बताना। एंड सेकंड चार्ट भी देख सकते हो। सो आईक्यू सुलतान अच्छा परफॉर्म नहीं किया, बट चलो कोई नहीं। एंड फिर जो एमवीपी रैंकिंग है उसमें जॉनथन ने कल कमबैक किया था, हैशटैग 1 पे आ चुके हैं, और सेकंड पे स्प्रेगॉट, थर्ड पे पंख है। तो जो भी टीम आज परफॉर्म करेगी, कोई भी एमवीपी और कोई भी टीम जीत सकती है। आप लोग अकॉर्डिंग कौन जीतेगा, कौन बनेगा एमवीपी, कमेंट में बताना। और एक न्यूज़ ये है कि अपथ्रस्ट का जो टूर्नामेंट है 12:30 बजे स्टार्ट होता है, आज थोड़ा लेट से होगा ऐसा सुनने में आया है, क्योंकि कल जब न्यूज़ स्ट्रीम कर रहे थे वहाँ पे क्रॉन्टन ने बताया कि आज जॉनथन का सूट है, तो अभी वो सूट पे जाएंगे तो ऑब्वियसली वो खेल नहीं पाएंगे, इसलिए वो लोग बात किए थे अपथ्रस से एंड वो लोग राजी कर चुके हैं कि थोड़ा सा लेट से वो लोग स्टार्ट करेंगे। अब जिस तरह सुनने में आया है थोड़ा लेट करेंगे, अब फिक्स नहीं है क्या टाइमिंग होगा, हो सकता है 1 से 2 बज सकता है मैक्स टू मैक्स। अगर जॉनथन नहीं भी आते तो बाकी प्लेयर्स है वो लोग खेल लेंगे। अब जो भी होगा थोड़ा सा लेट आप लोग बोल सकते हो अपथ्रस स्टार्ट होगा। एंड फिर शाम में ये वाला टूर्नामेंट चलेगा, देख सकते हो, जिसमें स्टैंडिंग्स कल डे 2 खत्म हो चुका था, आज इसका भी फाइनल डे है, आज दोनों टूर्नामेंट खत्म हो जाएगा। तो इसमें देख सकते हो कार्निवल ईस्पोर्ट्स अभी टॉप पे है, फिर ग्लोबल ईस्पोर्ट्स भी है, तो इसमें भी यहाँ पे कोई भी टीम जीत सकती है जो लिस्ट में है। इसमें भी यहाँ पे अंडरडॉग टीम है, मेडल ईस्पोर्ट्स है, फिर गॉडलाइक भी है। सो क्या लगता है इस टूर्नामेंट में कौन जीतेगी, कमेंट में बताना। और इसका भी एमवीपी रैंकिंग देख सकते हो, इसमें यहाँ पे कल गॉब्लिन ने कमबैक किया था, एंड फिर यहाँ पे बाकी टीम, बाकी प्लेयर्स भी है, एक अंडरडॉग प्लेयर भाई जो टॉप पे है, अच्छा खेल रहा है। खैर चलो भाई, ये तो हो गया दोनों टूर्नामेंट। एंड जो दूसरा टूर्नामेंट मैंने बताया वो होगा लगभग 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, थोड़ा पहले भी हो सकता है। अब अपथ्रस्ट ईस्पोर्ट्स जब खत्म होगा उसके बाद ही स्टार्ट होगा ऑब्वियसली। सो ये हो गया आज दोनों टूर्नामेंट का डिटेल, और आज दोनों खत्म होने वाला है तो कल से न्यू टूर्नामेंट स्टार्ट होगा। तो चिंता नहीं करना, कल मैं वीडियो बना दूंगा जो भी टूर्नामेंट या स्क्रीन्स होगा। चैनल से बने रहना, मिलते अगले वीडियो में, लाइक और सब्सक्राइब करके जाना।